Hey everyone, welcome back to my channel. So, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो धूप भी आ चुकी है, ये देखिए इसे भी मेरी फेस पे पड़ रही है. और कपड़े हमारे धुल के आ चुके हैं, कुछ अभी थोड़े बहुत बचते हैं तो अभी जाती हूँ मैं कपड़े डालने. और देखिए धूप कितनी सुंदर धूप आई है आज. और प्रिशु और प्रिशु के मासी है वहाँ टेरिस पे, वहाँ गए हुए हैं, तो अभी चलते हैं. मैं डाल रही थी यहाँ पे प्रिशु के कपड़े क्योंकि वो मैंने धो दिए थे और धूप भी काफ़ी अच्छी आई थी आज, और थोड़े ही थे कपड़े आज. तो गाइस प्रिशु ना बहुत तंग कर रही है मुझे. क्यों कर रहे हैं मुझे तंग? हेलो करो, हेलो कर दो. इसको ना सोना है, नींद आ रही है उसको. मैं इसको सुला देती हूँ, मिलेंगे थोड़ी देर में. ओके, तो अभी धूप निकल आई है और प्रिशु भी उठ चुकी है. ये लो इसको पकड़ते हुए. ये अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है. अरे वाह वाह, चलो छोड़ो इसको, चलो खुद इसको पता है वहाँ कहाँ है. आराम से दौड़ना, नहीं फिर गिरोगे. ये कहाँ से आया? ऊपर से नहीं, इधर अंदर थे. सीओ सीओ देखियो वहाँ से गिरे. छोड़ दो इसको घूमने दो, पकड़ो मत, छोड़ो इसको नीचे, नहीं सिमु गिर जाएगी. इसे पकड़ो, इससे इसको दिखेगा सिमु गिर जाएगी. देखिए दे दो यहाँ. प्रिशु की मासी आई है प्रिशु के साथ खेलने को. नो दौड़ना नहीं. सिमुज कैसे लगाया तूने शूज? तो इनका तो ऐसे ही चला रहेगा अभी खेलने का प्रोग्राम. तो गाइस आज ना मैंने हेड वॉश किया है काफ़ी दिनों बाद, तो मैं मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं हेड वॉश करती हूँ क्योंकि मेरे ना हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा. प्रिशु और यहाँ हवा चल गई कितनी सुंदर, वाओ. नो, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरे. नो, गंदा. इसमें नहीं करते, तो साइड साइड में रखो इसको. बैठ गई मत, देखो इनको बैठना होता है इसमें. उसको सिमो तो सीट पे बैठ जा, वो नहीं बैठने देगी. और वो ना जबरदस्ती पता नहीं कहाँ जा रही है, वो देखो इधर आओ. सिमो बाजू नहीं खींचनी ऐसे. ये देखो इसकी हालात नीचे से, ये देखो हालात देखो. खुद चलना है उसने, रास्ते टेढ़े मेढ़े है देखते. अरे ये खतरों की खिलाड़ी है ये. जब मासी खिलाड़ी है तो ये तो होगी. मासी कौन से खतरों से खेली है वैसे? कौन से खतरों से खेली है मासी? गांव के खतरों से. अच्छा, बेचारी एक तो गांव में ही बहुत रही है. जब भी रही हूँ. सो गाइस अभी हम जो रहे हैं खेत. जय करो, जय कर दो, जय 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 कर दी प्रिशु ने. तो ये मंदिर है, हम हमने यहीं पे अपने खेत पे बनाया हुआ है. ये है नास्तिक देवता जी का मंदिर. आप भी जय कर लो. ये हमारे ही खेत में बनाया है हमने यहाँ पे. इसको बोलते हैं वैसे चौरा, हमारी लैंग्वेज में इसको चौरा बोलते हैं. जय करो, जय करो. ओ मेरा बाबू करता है ये जय. इसको सिखाया है जय करना, ये रोज शाम को जय करता है. धूप काफी तेज है इसलिए ना ठंड नहीं लग रही है. और मैंने धातु भी नहीं लगाया अभी. ऐसा तो है नहीं कोई कंपलसरी है लगाना, पर फिर भी मैं लगा लेती हूँ सर्दियों में. गर्मियों में नहीं मुझसे लगता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गाइस, बहुत ज़्यादा. कौन से खेत में बोला था उन्होंने? यहीं कहीं बोला था, यहीं है कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कोई दीवार वगैरह लगा रहे हैं कुछ. तो देखते हैं ज़रा कितनी लगाई है उन्होंने दीवार. तो
आजकल ना गाइस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक चल रही है, तो आप शक्ल देख के ही पता लगा सकते हो कुछ ठीक नहीं अभी तबीयत मेरी। तो मैं नहाई थी कि थोड़ी फ्रेश हो जाऊंगी तो थोड़ा ठीक लगेगा मुझे, हल्का सा कोल्ड भी है और गले में भी दर्द है। कहाँ पे है मुझे तो देखती हूँ, फोन करती हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। तोड़ रहे हैं ये दीवार दे रहे हैं। अच्छा दीवार दे रहे हैं। हाँ हेलो पीली टोपी वाले हो। हेलो आ जाओ जब बलवान। नीचे नहीं आ सकते हम। मम्मी कहाँ हैं? मम्मी गए उनके साथ ऊपर वो लोग दो बड़ा। अच्छा नीचे नहीं आ सकते हम। बच्चा है बच्चा छोटा बच्चा। तो ये हो रहा है तोड़ाई का काम, पत्थर तोड़ाई। तो गाइस वहाँ जो नीचे दिख रहा है ना वहाँ पे ना दीवार लग रही है, तो ये खेत वरना नीचे खिसक जाएगा इसलिए। तो वहाँ पे एक प्लांट लग जाएगा। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे हमारा बगीचा दिखाती हूँ। ये है हमारा खेत। ये देखो ये हमारा बगीचा है, दिख रहा है आपको हमारा बगीचा? अभी सूखा है ना तो थोड़ा ऐसा लग रहा है अजीब सा। तो ये है हमारा बगीचा। प्रिशु प्रिशु कर रही है अब इसको नीचे जाओ। इसको नीचे आ रहा है शायद। नीचे नहीं जाते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने पड़ोसी के घर में। पड़ोसी के घर जा रहे हैं इसको मतलब नहीं है चश्मा। तो प्रिशु चश्मा नहीं लगा रहा है तो मुझे लगाना पड़ा। अब क्या करे छोटा है पर काम चला लेंगे। गाना गा रही है, गाना गाती है। यहाँ देखो इनका पुराना घर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने पड़ोसी के घर। तो यहाँ पे ना नीचे डस्ट भी बहुत ज्यादा है। मेरा तो ब्लैक पैजामा बिल्कुल गंदा हो गया। पैजामा सो गाइस वहाँ पे कोई था नहीं तो हम वापस आ गए हैं क्योंकि वो भी गए हैं खेत कुछ काम करने। धूप काफी तेज है, काफी तेज। तो गाइस अभी ना प्रिशु क्या खा रहा है यहाँ देखो, कॉटन कैंडी। वाह इसके लिए छोटे दादू ने ली है, गुंजे दादू ने कॉटन कैंडी खाता है ये। अभी ना ये ना छोया हुआ था अभी उठाइए पेटू। सो गाइस अभी आए हैं हम ऊपर एरिश के घर। तो अंदर प्रिशु लगी हुई है खेलने और सीमू भी है अंदर, तो वो बैठे हुए हैं। तो मम्मा आए थे दूध निकालने तो वो अंदर दूध निकाल रहे हैं। तो ये है हमारा ओबरा, मैं आपको दिखाती हूँ हमारी कौ। देखो छोटी सी छोटी वाली जिसका छोटा बेबी। सो गाइस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।